हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज तो मैं गांव में आई हुई हूँ क्योंकि फेस्टिवल है होली पार्क। 2 दिन तो हम लोग इधर ही रहने वाले हैं और छुट्टी थी तो श्रीमान जी बहुत लेट सो के उठे हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। हेलो हेलो तो कर लो आप। दोस्तों, चाय पी लो। और बिस्तर में पड़े पड़े ये दूसरी चाय है, दूसरी चाय। जिस दिन छुट्टी होती है 2 चाय पी के ही उठा जाता है इनसे तो। और मैंने आज बहुत पुराना सूट डाला है ससुराल आके। वैसे कुर्तियाँ वुर्तियाँ ही डालती हूँ तो ये सूट मैंने डाला हुआ है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं। इसका दुपट्टा ऐसा है, ये 11 साल पुराना सूट है, मेरी शादी के टाइम का सूट है ये। और कुछ चीज़ें होती है ना कि आउट ऑफ फैशन होके भी अच्छी लगती हैं। ये सूट मुझे हमेशा ही, मतलब शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है तो इसको मुझे मौका मिलता है मैं डाल ही लेती हूँ। कोई भी छोटा मोटा तीज त्यौहार होता है तो मैं इसको डाल लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ये। और कमरे की कंडीशन मैं दिखाती हूँ क्योंकि गाँव में आए हुए हैं हम, अपना बैग वैग लेके आते हैं तो सारा इस तरीके से फैला रहता है। अभी सारा समेटना है तो सबसे पहले किचन में चलते हैं क्योंकि खाने की हम लोग तैयारी कर चुके हैं। आलू के परांठे बनाने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको होली की कुछ तैयारियां आप लोगों को दिखाऊंगी और हो सका तो दिखाऊंगी होलिका दहन वगैरह हरियाणा में कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। और दोनों दीदियाँ जो हैं वो कर रही हैं साफ़ सफाई घर की क्योंकि त्यौहार है, आज होली है। और यहाँ पे मैं अपना ट्राईपोड लेके आना भूल गई तो इधर मुझे कहीं लग नहीं रहा है कि सेटिंग कहाँ करूँ, तो इस वजह से मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी। ठीक है, जल जाएंगे परांठे क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने, तो बाकियों का वर्क भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़े से परांठे रहते हैं और बना लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं और आप लोगों को बाकी लोगों से भी मिलवाऊँगी। और ये देखो, ये सारे बच्चों ने, हमारे यहाँ पे होता है इसको वो बोलते हैं कंडी, बोलते हैं कंडी डाल रखी है, होली है ना, होली की वजह से सारे बच्चों ने। हेलो गाइस, पहले हेलो हैप्पी बोलो। छोटी दिवाली, छोटी दिवाली, होली, 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 होली। चलो अच्छा, ठीक है, ये इन्होंने डाली हुई है कंडी, हमारे यहाँ पे ही होता है। और इस तरह की इन्होंने फर्स्ट टाइम डाली है, नहीं तो हमेशा कैसी डालते हो? ये कौन बनाते हैं? कौन बनाता है? चाची, दादी बनाती है इनकी, मतलब चाची बोलते हैं ये दादी को। वो मैं कभी और बताऊंगी आपको क्यों बोलते हैं। तो इनकी दादी बनाती है हमेशा, यानी कि हमारी मम्मी जी बनाती है। बट आज मम्मी जी गए हुए हैं घूमने के लिए, और पिछली होली पे भी मम्मी घूमने के लिए चले गए थे, तो हम सारे मिस कर रहे हैं मम्मी जी को। मम्मी जाने से पहले इनके लिए ये रख के गई थी, मम्मी को पता था कि मेरी एब्सेंस में पता नहीं कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो मम्मी अपने पोतों के लिए ये कंडी बना के गई है। इसमें ना खाने का सामान होता है, यहाँ पे तो आई थिंक वो है नारियल है और सौंफ, बिस्किट, मिश्री, ये सब चीजें हैं इसमें। चॉकलेट, ये रेडीमेड है, पर जो हाथ की बनाते हैं ना उसमें होता है चॉकलेट, टॉफी और बेर वगैरह, ऐसी चीजों से मम्मी बनाती हैं हमेशा। तो मम्मी गए हुए हैं, मम्मी को हम सब लोग मिस कर रहे हैं, और मम्मी गए, हमें भी इंतजार है, हमारे लिए कुछ लेके आएंगे। इधर दीदी बैठी है दोनों, तो है ना दीदी, होता है ये, मम्मी कहीं भी घूमने जाए ना हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं, चाहे उनको एक कड़ा लेके आना हो या अंगूठी लेके आनी हो, हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जैसे होता है ना अपने बच्चों के लिए माओ को होता है लेके आने का शौक, तो मम्मी को ऐसे ही है कि वो कहीं पे भी जाती हैं तो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके आती हैं, है ना दीदी? कुछ बोलो सासू माँ के बारे में। सबसे ज्यादा तो अंजना दीदी को है मम्मी के बारे में, मतलब एक्सपीरियंस उन्होंने ज्यादा लिया है मम्मी का इस चीज का ना, मतलब मम्मी, क्योंकि दीदी ना सबसे पहले आए थे, बड़े वाले दीदी हैं ये और वो बीच वाली दीदी है। तो अंजना दीदी मतलब जब शादी हो, क्या इनकी एज भी कम थी तो चाची
क्योंकि अब तो हम हो गई है तीन, तीनों की तो सारी इच्छाएं पूरी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब दीदी अकेले थे ना, तो दीदी को मम्मी ने बहुत अच्छे से रखा, मतलब जैसे लड़कियों को रखते हैं ना कि हाँ सो रही है तो सोती को नहीं उठाना, ऐसे ही होता था ना दीदी। हाँ ये होता था। और खाना खाना मम्मी खुद बनाते थे। खाना मम्मी खुद बनाते थे, बना के दीदी को उठाते थे तो नहा धो ले खाना खा ले, है ना, है ना। मिल सकती है ऐसी सास, नहीं मिल सकती है ना, है ना। व्लॉग बनाने के लिए नहीं मैं ये सब बोल रही हूँ, ये रियल में मतलब हम तीनों मतलब कभी हमारे मुंह से ऐसे सास की चुगली कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही नहीं इस लायक। तो पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि सास जो है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये हमारे यहाँ पे ना होली पे ये लेके जाते हैं होलिका दहन करने के लिए, इसको बरखुल्ले बोलते हैं। आगे लेके आना वंशिका, ये चांदन वंशिका, ये ऐसे होते हैं गोबर के बनाए जाते हैं, ये इस तरीके से मालाएं सी होती हैं, ये ऐसे है ना, धागे में पिरो रखा है इसको, और इन्हें बोलते हैं बरखुल्ले। अब ये गर्ल्स जा रही हैं लेके, तो ये होलिका दहन में डाल देंगी, और वहाँ का भी मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी शूट कर पाई तो ठीक है। और यहाँ देखिए होलिका दहन की तैयारी की गई है, चारों तरफ इसके सूत लपेट दिया जाता है, पूजा की जाती है, और लकड़ी गोसे वगैरह घर से सब लोग लेके आते हैं, और फिर रात को इसको जलाया जाता है। वो रात का मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो मिल के टाइम। फिर हम लोगों ने बनाए थे हलवा, पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी। तो शाम को, रात को खाना लेने के लिए वो भी आती है जो हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह का काम करती है, तो वो भी हर घर से खाना लेने के लिए आती है। तो दीदी उसको दे रही है खाना। इसी तरीके से बस ये त्यौहार जो है हंसी खुशी से हम लोग मनाते हैं, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे बनाते हैं, और क्या क्या कौन कौन सी रस्में हमारी जैसी होती हैं, मतलब हर जगह का अलग अलग होता है।
तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारा होली सेलिब्रेशन कैसा लगा और आप लोग भी ऐसे ही मनाते हैं क्या। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।